हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और यूपीएससी सी सेट की आज की क्लास के अंदर हमारा टॉपिक रहेगा लाइन चार्ट डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर। डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर बेटा डाटा टेबल, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार ग्राफ, ठीक है ना, तो ये सभी के सभी आपके डाटा इंटरप्रिटेशन के पार्ट के अंदर आ जाते हैं। साथ में ही आ जाता है आपके पास केस स्टडीज का पार्ट, ठीक है, केस स्टडी पे बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। तो अभी पाई चार्ट और बार ग्राफ मैं आप लोगों के साथ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आज के क्लास में हम लाइन चार्ट डिस्कस करेंगे, ओके, लाइन चार्ट डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि लाइन चार्ट पे बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ से डाटा आपने कैसे यूज करना है, ओके, फिर उसके बाद उसको क्वेश्चन में आप कैसे अप्लाई करोगे। डन, तो अब देखिए, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक मिनट लेंगे बेटा, क्या है कि जो स्टूडेंट्स अभी अप्लाई कर रहे हैं 2022 के अंदर, जिन्होंने एग्ज़ाम देना है, दे कैन टेक द क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स अभिपीडिया की तरफ से अवेलेबल है सी सेट के लिए। जो स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। डन, जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देंगे 2023 के अंदर, उनके पास में अभी पूरा टाइम है, दे शुड गो फॉर द कम्प्लीट कोर्स। अभी हमारे पास पूरा टाइम है, दैट मीन्स कि एक बार हमें पूरा सिलेबस करना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर कम्प्लीट कोर्स का भी लिंक अवेलेबल है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो ये कहते हैं कि हमारा सिलेबस तो कवर है, थोड़ा सा हमने ये चेक करना कि तैयारी है कितनी, तैयारी हमारी है कितनी, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे कवर हो जाए, तो उसके लिए वो ले सकते हैं टेस्ट सीरीज। बेटे टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। जो टेस्ट सीरीज है इसके अंदर 20 टेस्ट हैं, 15 सेक्शनल टेस्ट हैं। सेक्शनल टेस्ट मीन्स 5 क्वांट, 5 लॉजिकल रीजनिंग, 5 इंग्लिश एंड 5 टेस्ट आर कंप्लीट मूक, ओके। तो आप जो टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज तो देखो मस्ट है, मैं ये कहूँगी जो स्टूडेंट अभी 5 जून को एग्जाम दे रहे, तो उनके लिए टेस्ट सीरीज तो मस्ट है। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में टेस्ट सीरीज का लिंक अवेलेबल है, ओके। सो स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने क्लास के ऊपर। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज लाइन चार्ट, लाइन चार्ट के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ओके। अब लाइन चार्ट की जब मैं बात करती हूँ, दैट मीन्स कि आपका जो डाटा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइन, लाइन। अब वो लाइन आपके पास एग्जाम के अंदर कैसे भी हो सकती है, आपके पास ऐसे लाइन हो सकती है, ठीक है, आपके पास डाटा ऐसे कुछ गिवन हो सकता है, आपके पास डाटा ऐसे गिवन हो सकता है, ठीक है। अब वो जो डाटा है, अब यहाँ पे आपके पास में कैटेगरीज गिवन होती है, कैटेगरीज है, ठीक है, और इधर आपके पास में क्या है, डाटा है। डन, अब जिस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए आपको डाटा पिक करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ यहाँ पे है ए बी सी डी, यहाँ पे आपके पास 100, 200, 300, 400। अब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपने पास पॉइंट आ रहा है कि भाई जो ए है, ए का डाटा यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है भी ए का डाटा कितना है, 100, वी विल यूज 100, ओके। सेम वे अगर हम यहीं पे बात करते हैं कि भाई ये वाला जो कर्व है, ये वाला कर्व है, ठीक है, अब हमने यहाँ पे चेक करना है कि फॉर एग्जाम्पल ये जो अपने पास में 100, 200, 300 है, दिस इज द प्रोडक्ट सोल्ड, ओके। तो इन दैट केस अगर मैं कहूँ कि हाँ जी बताओ कि सेल ऑफ ए इज ग्रेटर देन सेल ऑफ सी, एक स्टेटमेंट आपको ट्रू फॉल्स चेक करना है, सेल ऑफ ए इज ग्रेटर देन सेल ऑफ सी, तो हम कैसे चेक करेंगे भाई, सेल ए की अगर मैं देखूं तो ए का तो ये जा रहा था, ये यहाँ पे इतना जा रहा है, ठीक है, और सी, सी की सेल इतनी है, दैट मीन्स कि ये तो रॉन्ग हो गया, समझ आ रहा है, क्योंकि यूपीएससी के अंदर ना डायरेक्ट की बजाय ना ऐसे स्टेटमेंट के बेस्ड पे ज़्यादा आ जाते हैं ऑप्शन। इसी तरह से आपके पास ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे लाइन पे गिवन है कि आपके पास में सेल ऑफ बी इज लेस देन सेल ऑफ डी, अब यहाँ पे देखो सेल ऑफ बी देखेंगे हम, ये तो यहाँ पे है, डी की इतनी है, दैट मीन्स कि ये भी रॉन्ग हो गया। इस तरह से हमारे पास में क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए आप डाटा फाइंड आउट करते हो, उस डाटा को कैसे पिक करना है, ओके। आप देखिए जैसे कि यहाँ पे है आपके पास में दो लाइने हैं, दो लाइने शो हो रही है, जब भी आपके पास में दो लाइन्स हैं या थ्री लाइन्स आपके पास में आ रही है, दैट मीन्स कि हर एक लाइन अलग अलग डाटा रिप्रेजेंट कर रही होगी, तो वो आपके पास मेंशन होगा एग्जाम के अंदर कि कौन सी लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है। अब जैसे यहीं पे है, क्या है अपना क्वेश्चन, गिवन लाइन ग्राफ शोज द डाटा ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन
इन 5 डिफरेंट सिटीज, दिस इज द पॉपुलेशन. ओके, रीड द डाटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन. ब्लू लाइन इज रिप्रेजेंटिंग मेल पॉपुलेशन. ओके, और जो रेड लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपके पास में, फीमेल पॉपुलेशन. अब हमें इतना पता चल गया. अब अगर मान लो मुझे जरूरत पड़ती है कहीं पे भी मेल पॉपुलेशन की, तो हम किसको चेक करेंगे, ब्लू लाइन को चेक करेंगे. ठीक है, अगर आपको फीमेल पॉपुलेशन की जरूरत है तो किसको चेक करोगे आप, रेड लाइन को चेक करोगे. बस इतना सा कंसेप्ट है, बस हो गया लाइन चार्ट आपका, उसके बाद तो सिंपल प्रैक्टिस है. अब देखिए, जैसे यहीं पे कह रहा है, बाई व्हाट परसेंट टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए, ए की टोटल पॉपुलेशन इज मोर और लेस देन सिटी डी, डी की टोटल पॉपुलेशन. तो हमेशा ध्यान रखो बेटा, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो पहले तो जो आपको स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट गिवन उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया करो, सो दैट कि फिर आप यहाँ से इजीली डाटा पिक कर सको. तो अब देखो, ए की टोटल अगर मैं कहूँ, ए के अंदर यहाँ पे आप चेक करो कि जो भी मेल है, मेल तो 300 आ रहा है, देखो ये 300 है. ठीक है, और आपके पास फीमेल कितनी है बेटा, 400 है, दैट मींस कि टोटल कितना हो गया, 700 हो गया. इसी तरह से अगर हम डी का टोटल करते हैं, तो डी को देखिए, ये डी है, डी के अंदर मेल है आपके पास में, दिस इज 400 500, तो बीच में कितना हो गया, 450, और ये कितना हो गया आपके पास, 550, दैट मींस कितना हो गया टोटल, 1000. अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपके पास कि बताओ कि ए कितना मोर या फिर लेस है, कितना परसेंट मोर लेस है. तो अब हमने देखा जो ए है वो क्या है, लेस है. कितना लेस है, 300 लेस है. किससे कंपेयर करना है हमने, डी से. अब चेक करा करो कि जिससे भी कंपेयर करना है उसको हम नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे, कितना आ गया, 30%. सो योर आंसर विल बी 30%. पॉइंट इज क्लियर, बताइए कोई इसमें माइनर सा डाउट आ रहा हो. सिंपल सा था, सिंपल सा क्वेश्चन था. हाँ, मोर लेस का ध्यान रखना है आपने, और ये ध्यान रखना है कि जब भी आप परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो उसके इसके अंदर डिवाइडेड बाय किससे करोगे, जिसके कंपैरिजन में आपसे पूछा जाए. डन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिटी ए, इन सिटी ए, दिस इज सिटी ए, द रेशियो ऑफ मेल ग्रेजुएट टू फीमेल ग्रेजुएट इज 3:4. ग्रेजुएट के आपके मेल और फीमेल की रेशियो गिवन है, एंड द टोटल ग्रेजुएट इन सिटी आर 70% ऑफ टोटल पॉपुलेशन. अब ग्रेजुएट कितना है, 70% है. अब देखो, ए की अगर मैं टोटल पॉपुलेशन की बात करूं, तो टोटल कितना है, अभी हमने फाइंड आउट किया था कितना है, 700. ठीक है, अब उनका 70% पॉपुलेशन क्या है, ग्रेजुएट है, तो ग्रेजुएट कितने हो गए, 70% ऑफ 700, परसेंटेज से ये कैंसिल आउट. डन, अब इसमें साथ में क्या क्या है, मेल और फीमेल की रेशियो कितनी है, 3:4. अब इसको आपने 3:4 के अंदर डिवाइड करना है, 3:4 में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा टोटल, कितना बेटा, 7. 7 इज इक्वल टू 490, 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 70. तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 210, एंड दिस इज 280. क्लियर, ये क्या आपके पास में मेल, और ये आ गया बेटा फीमेल. इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन, देखिए अब उसने देखो क्या कहा, मेल फीमेल की रेशियो बेटा 3:4 कैसे किया, देखो दोबारा से बता देती हूँ. वैसे तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, 3:4. ठीक है, टोटल अब इन दोनों का अगर मैं टोटल करती हूँ तो कितना मिल रहा है मुझे, 7. 7 किसके इक्वल है, 490 के. दैट मीन्स कि 1 की वैल्यू कितनी होगी, 490/7, 70. तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 210, एंड 4 की वैल्यू कितनी होगी, 280. डन, अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे आपके पास कि फाइंड पॉपुलेशन ऑफ फीमेल हु आर नॉट ग्रेजुएट. कहता है कि जो ग्रेजुएट फीमेल नहीं है. अब देखो, अब फीमेल अगर हम देखें तो फीमेल कौन सी थी बेटा, टोटल फीमेल कितनी है हमारे पास, 400 है. फीमेल कितनी है, 400 है, जिसमें से ग्रेजुएट कितनी है, ग्रेजुएट कितनी है, 280.
दैट मीन्स कि नॉन ग्रेजुएट कितनी होगी, माइनस कर दोगे कितना आ गया आपके पास 120. ओके, सो योर आंसर विल बी 120. बार बार कह रही हूँ, लास्ट क्लास में भी आपको कहा था कि जब आप डीआई के क्वेश्चन करते हो तो आपके लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज और परसेंटेज, इनके छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है. वैसे भी अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो तो उस केस के अंदर बेटा ये तीनों टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो आपके बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए. जैसे अभी एक छोटा सा पॉइंट था, ठीक है ना, तो इसके लिए आपको स्पेशली कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. सिंपल, जैसे ही मैंने देखा 3:4 है और 490 को 3:4 में डिवाइड करना है तो अपना माइंड में एकदम से क्लिक करना चाहिए कि भाई ये 210 आएगा और ये 280 आएगा. ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द एवरेज ऑफ मेल पॉपुलेशन इन ऑल सिटी. मेल पॉपुलेशन की एवरेज फाइंड आउट करनी है. मेल पॉपुलेशन दैट मींस की ब्लू लाइन, ब्लू लाइन का टोटल करो कितना है, 300 550, ठीक है. सिर्फ ब्लू लाइन को चेक करना बेटा, 500, 450 एंड दिस इज 350. टोटल करो जल्दी से, कितना है, 300, 550, दिस इज 500, दिस इज 450 एंड दिस इज 350. जल्दी से टोटल करेंगे, कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 1000, ये हो गया 1000 और 800, 1800, 2150 हो गया बेटा, 2150 आ गया, 2150. अब इसका आपको एवरेज फाइंड आउट करना है तो एवरेज कितना आ जाएगा, 2150 बटे टोटल कितना है आपके पास, 5, 5 के 20, 5 दिया 15, दैट मीन्स 430. सो 430 विल बी द करेक्ट आंसर, 430 विल बी द करेक्ट आंसर. समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, सभी शेयर करेंगे. जो न्यू यूजर है चैनल को सब्सक्राइब, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. आगे देखिए क्वेश्चन क्या, व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन सिटी सी इज मेल पॉपुलेशन इन सिटी ई. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब यहां से आपको इसकी वर्डिंग समझ आनी चाहिए कि ये कह क्या रहा है. वट परसेंट ऑफ, ऑफ मीन्स हमने किसके कंपेरिजन में चेक करना है, फीमेल के कंपेरिजन में चेक करना है मेल को, ठीक है. दैट मीन्स कि जो मेल वाला जो डाटा आएगा उसको ऊपर रखेंगे हम न्यूमरेटर के अंदर, डिनोमिनेटर में रखेंगे जो फीमेल का डाटा आएगा इन 200. ओके, तो अब देखो पहले फीमेल इन सी देखते हैं, सी सिटी के अंदर, ये सी है बेटा और यहाँ पे अपने पास फीमेल कितनी आ रही है आपके पास में, 400, डन. और मेल चेक करना आपको किसके अंदर, ई के अंदर, ई यहाँ पे है, मेल है आपके पास ब्लू लाइन, देन दिस इज 350. ओके, अब यहाँ पे उसने क्या कहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल, दैट मीन्स कि जब हम परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, फीमेल के कंपैरिजन में आप इसको फाइंड आउट करोगे. कितना आ गया, 4 8 32, 4 7 28. बताइए कोई डाउट इसमें, कोई भी डाउट. जब आपके पास डीआई आते हैं ना एग्जाम के अंदर तो उसमें स्पेशली यही थोड़ा सा होता है कि लेस देन कितना परसेंट, मोर कितना परसेंट, किसका कितना परसेंट कितना है, ठीक है ना. ये वाला कंसेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है डीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट आपके पास इन सिटी बी एंड सी, इन सिटी बी एंड सी ये है आपके पास दो सिटी, रेशियो पोस्ट ग्रेजुएट इज 7:8. बी सी के पोस्ट ग्रेजुएट की रेशियो कितनी है आपके पास, 7:8, ये गिवन है. टोटल पॉपुलेशन हु इज पोस्ट ग्रेजुएट इन सिटी बी इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए. पोस्ट ग्रेजुएट क्या कह रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट इन सिटी बी. अब बी के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट कितने हैं, कितने हैं, जितने की ए की टोटल पॉपुलेशन है. अब ए की टोटल पॉपुलेशन कितनी, 400 300 700, दैट मींस कि 700, दैट मींस कितना हो गया, 700, ये इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है. अब यहां से अगेन रेशियो वाला कंसेप्ट है, देखो बेटा 7 इज इक्विवेलेंट टू 700, दैट मींस 1 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 100, तो ये 8 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 800,
दैट मीन्स कि पोस्ट ग्रेजुएट इन सी कितने हैं, 800 है. ओके अब आगे क्वेश्चन क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ नॉन पोस्ट ग्रेजुएट पॉपुलेशन इन बी टू सी. बी और सी की नॉन पोस्ट ग्रेजुएट पॉपुलेशन आपको फाइंड आउट करनी, बी सी की क्या फाइंड आउट करनी हमने, नॉन पोस्ट ग्रेजुएट पॉपुलेशन की रेशियो. अब बी के अंदर देखो टोटल पॉपुलेशन कितनी है. बी की अगर मैं टोटल पॉपुलेशन देखूं, दिस इज 550 एंड दिस इज 450. दैट मीन्स कि पूरा का पूरा 1000 हो गया. टोटल पॉपुलेशन 1000 के अंदर से ग्रेजुएट कितने, 700. दैट मीन्स कि नॉन सॉरी पोस्ट ग्रेजुएट कितने, 700. तो नॉन पोस्ट ग्रेजुएट कितने हो गए आपके पास में, 300. अब आते हैं हम सी पे. सी को देखिए, सी के अंदर देखो डाटा कितना, ये हो गया 500 एंड दिस इज 400. दैट मीन्स कि 900. अब इस 900 के अंदर से 800 पोस्ट ग्रेजुएट है, बचे कितने, 100 क्या है, नॉन पोस्ट ग्रेजुएट. रेशियो कितने आ गए बेटा, 3:1. कितना आ गया, 3:1. सो आंसर कितना आ गया आपके पास में, 3:1 विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप साथ साथ में आपका रेशियो का कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा, रेशियो वाला जो कंसेप्ट है छोटा सा वो भी क्लियर हो रहा होगा. ओके नेक्स्ट डीआई आ गई आपके, नेक्स्ट डीआई नेक्स्ट लाइन चार्ट. अब यहाँ पे देखो ये तो आपके और भी इजी हो गया काम. यहाँ पे जो आपके लाइन चार्ट है साथ साथ में डाटा गिवन है कि ये वाला जो पोजीशन कितनी है, 240 है. ठीक है, यहाँ पे कितना है, 275 है. दिस इज 320. दैट मीन्स कि आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये तो ईजी डीआई आ गई एक तरह से आपके पास में. अगर आपके पास मेंशन है लाइन चार्ट के अंदर पर्टिकुलर डाटा तो वो तो ईजी हो गया. ठीक है, आपको कुछ नहीं ध्यान देना, जस्ट गो फॉर द क्वेश्चन और ये देखना है कि लाइंस रिप्रेजेंट क्या कर रही है. तो क्या रिप्रेजेंट कर रही है देखते हैं. स्टडी द फॉलोइंग लाइन ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. इन द बिलो लाइन ग्राफ द नंबर ऑफ एनिमल्स इन टू जू, जू ए एंड जू बी इन ईयर 2001, 2003, 2005 एंड 2007. अब 2001, 2003, 2005 और 2007 का डाटा गिवन है एनिमल्स का जू के अंदर. अब यहाँ पे दो जू हैं, रेड रिप्रेजेंट कर रहा है जू ए को और ब्लू रिप्रेजेंट कर रहा है जू बी को. ओके अब देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे क्या है. फिर व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एनिमल्स इन जू ए इन 2001 एंड 2005 टुगेदर एंड एनिमल्स इन जू बी इन 2003 एंड 2007. सबसे पहला काम क्या है कि जो मेरे पास स्टेटमेंट में डाटा गिवन है उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया. अब हम डाटा पिक कर लेंगे. अब देखो जू ए दैट मीन्स की रेड लाइन कब करना है हमने, 2001 एंड 5 2001. ओके 2005 कितना बेटा, 240 350. कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 560. ओके दिस इज 560 डन. अब जू बी, जू बी दैट मीन्स की ब्लू लाइन क्या कब का चेक करना है, 2003 एंड 7 का. 2003 दैट मीन्स 160, 2007 दैट मीन्स 320. टोटल करा कितना हो गया, 480. ओके ये कितना हो गया, 16 से चला जाएगा ना. हाँ ये चला गया आपके पास में 8 से चला गया, 8 से. सेवन रेशियो सिक्स सिंपल. बताओ कोई इसके अंदर डाउट आ रहा हो, ध्यान रखना जैसे इसने दोनों का कहा दैट मीन्स कि टोटल करो, पहले दोनों का टोटल करो, इनका टोटल करो, उसके बाद में रेशियो फाइंड आउट. नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द सम ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ द नंबर ऑफ एनिमल्स इन जू ए एंड जू बी इन ईयर 2001 के अंदर फाइंड आउट करना 3 एंड 5. अब यहां पे देखो एक वर्ड यूज हुआ, क्या कह रहा है, सम ऑफ द डिफरेंसेस. सम भी कह रहा है, डिफरेंस भी कह रहा है. सम ऑफ, सम पहले मतलब कि सम करना है हमने, किनका सम करना है, डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ एनिमल्स इन जू ए एंड बी कब, 2001, 3 एंड 5. अब 1 देखो,
वन के अंदर अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो कितना बन रहा है अपने पास में, दोनों का डिफरेंस निकालो, ये हो गया जीरो, 16 14 से 60 आ गया, ठीक है। वन, दूसरा क्या है, थ्री, थ्री के अंदर चेक करो, दिस इज 275, दिस इज 160, माइनस किया हमने, कितना आ गया बेटा 511। डिफरेंस का है ना, सम ऑफ द डिफरेंस, तो पहले अभी हम इनका डिफरेंस निकालेंगे फिर उनका सम करेंगे। देन फाइव, फाइव के अंदर डिफरेंस निकालो, 320 एंड 240, कितना आ गया, ये हो गया आपके पास में 80। क्लियर, तो सम कितना हो गया आपके पास, 60 प्लस 115 प्लस 80, करिए, ये हो गया बेटा आपके पास 5 8 6 14 और 1 15 255, क्या आ गया, 255 विल बी द करेक्ट आंसर। कोई डाउट किसी को, कोई भी डाउट? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द नंबर ऑफ एनिमल्स इन जू बी इन ईयर 2001, 3 एंड 5 टुगेदर, जू बी इन ईयर 2001, 3 एंड 5 टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द सम ऑफ नंबर्स ऑफ एनिमल इन जू ए इन 2001 एंड 7। पहले हम जू बी का डाटा फाइंड आउट कर लेते बेटा, क्या है आपके पास में, 180 प्लस 160 प्लस 240, कितना हो गया, ये हो गया आपके पास में 400 580। कह रहा कितना कम या ज्यादा है, किससे, जू ए इन 2001 एंड 7, जू ए इन 2001 एंड 7, 2001 के अंदर 240, 7 के अंदर बेटा 360, कितना हो गया, 240 प्लस 360, ये हो गया आपके पास 600। अब ये क्या है, लेस है, लेस है, कितना लेस है, 580 इज 20 लेस देन 80, 600 तो 20 किसके पे कंपैरिजन में क्या चेक करोगे, थ्री इज टू वन बाई थ्री परसेंट। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इफ द नंबर ऑफ एनिमल्स इन जू बी इन ईयर 2009 इज 25% मोर देन 2007। अब देख यहाँ पे हमारे पास डाटा कब का गिवन है, 1, 3, 5 एंड 7 का गिवन, बट आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कब की बात कर रहा हूँ, 2009 की बात कर रहा है बेटा, 2009 की बात कर रहा है, क्या कह रहा है, इज 25% मोर देन 2007 से। अब अगर हम बी देखें तो बी के अंदर कितना है 2007 में, 320, इससे कितना है 25% मोर। अब इसका 25% कितना हो गया, 25% ऑफ 320, 25% 1/4, दैट मीन्स कि 80, दैट मीन्स कि 2009 के अंदर कितना हो गया, 400, कितना हो गया बेटा, 400 हो गया। डन, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज नंबर ऑफ एनिमल्स इन जू बी इन 2005, 7 एंड 9। 5 के अंदर कितना, 5 के अंदर 240, 7 के अंदर 320 और 9 में कितना हो गया, 400। क्लियर, एवरेज फाइंड आउट करनी है, दैट मींस कि वी विल डिवाइड इट बाय 3। ओके, कितना आ गया, ये हो गया बेटा 560 एंड 960, 960 बनेगा, देखो ये हो गया आपके पास 720 720 760 और 960, हाँ ये हो गया आपके पास 320, कितना आ गया, 320 विल बी द करेक्ट आंसर। डन, बताइए कोई इसके अंदर डाउट आ रहा हो, कोई भी इसके अंदर डाउट आ रहा हो, क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट डीआई आ गया आपके पास, क्या है,
अब देखो जो पहले डीआई थी उसके अंदर आपके पास में जो डाटा था वो साथ में मेंशन था, आप इजीली उसको कर पा रहे थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपके पास में डाटा गिवन नहीं है, आपको खुद से चेक करना है कि मेरी लाइन कहाँ पे जा रही है, ठीक है। तो अब देखो जैसे हमें यहाँ पे मिल रहा है कि भाई ये जो है ये लाइन यहाँ से शुरू हो गया, ये डाटा 20 से शुरू हो रहा है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है। दैट मीन्स कि जो बीच में है हमारे पास में यहाँ पे कितने कितने का गैप है, 10 का गैप है, 10 का गैप है। बेटा पीडीएफ के अंदर अगर क्लियरिटी नहीं आ रही तो पीडीएफ साथ में अटैच है लेक्चर के, लेक्चर के साथ में पीडीएफ अटैच है, वहाँ पोर्टल पे जब जाते हो तो वहाँ से आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, ओके। तो वहाँ पे आई थिंक क्लियर रहेगा बिल्कुल, यहाँ पे वैसे तो क्लियरिटी आ रही है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, डन। तो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपके पास में जो डाटा गिवन है वो आपको देखना है। जैसे अब यहाँ पे ये तो बिल्कुल लाइन पे है, दैट मीन्स कि मुझे पता चल गया कि ये वैल्यू तो 30 है, बट ये कितनी है, ये हो गया 60, 62 का गैप लगा के चलो तो कितना हो गया 64, ठीक है। सेम वे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कितना बन रहा है हमारे पास 32। तो ये चीज़ आपको चेक करनी आनी चाहिए कि वहाँ पे आपके पास लाइनों का कितना कितना गैप है और कैसे आप वैल्यू उसके फाइंड आउट करो, क्लियर। देखो क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज, पहले तो देखते हैं क्या डाटा आपके पास में। ब्लू लाइन इज रिप्रेजेंटिंग बॉयज प्लस गर्ल्स, अब जो ब्लू लाइन है वो दोनों को रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे बॉयज प्लस गर्ल दोनों है, एंड रेड लाइट इज रिप्रेजेंटिंग ओनली गर्ल्स। दैट मीन्स कि अगर मुझे बॉयज फाइंड आउट करना है तो क्या करूँगी मैं, इसके अंदर से इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बॉयज आ जाएंगे, क्लियर। द लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ पीपल बॉयज प्लस गर्ल्स विजिटेड इन 5 ABCDEFE डिफरेंट पार्क्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स विजिटेड आउट द टोटल पीपल विजिटेड इन दिस 5 parks, रीड द डाटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज विजिटेड इन पार्क ABC, ABC के अंदर कह रहा है कि बॉयज ने कितने ने विजिटेड किया है। अब मैंने अभी आपको क्या बताया, जब आपको बॉयज फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे, टोटल के अंदर से गर्ल्स को माइनस कर देंगे। अब देखो यहाँ पे टोटल कितना है 64, गर्ल्स कितनी है 30, माइनस किया कितना आ गया 34 आ गया। अब बी देखो, बी के अंदर कितना है 72, दिस इज 32, 72 से 32 को माइनस किया कितना आ गया आपके पास 40। सेम वे सी का माइनस चेक करेंगे, सी के अंदर ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपके पास 70, 72, 74, 76, और ये डाटा कितना हो गया आपके पास में 48, कितना बना, माइनस करेंगे 28, क्लियर। टोटल हो गया आपके पास में 102। बताइए कोई इसके अंदर डाउट आ रहा हो किसी को, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड इन पार्क एफ आर 18 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड इन पार्क सी एंड डी टुगेदर, आउट ऑफ द टोटल पीपल विजिटेड इन पार्क एफ 4/9 आर गर्ल एंड फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज विजिटेड इन पार्क एफ। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपके पास स्टेटमेंट गिवन है उसको समझना है, स्टेटमेंट को समझना है, क्या है स्टेटमेंट। पहले क्या कहा उसने, इफ टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड इन पार्क एफ, अब यहाँ पे कितने पार्क दे रखे हैं हमारे पास, तो ई तक ही है, दैट मीन्स कि मुझे एफ के लिए डाटा फाइंड आउट करना है, एफ के लिए डाटा फाइंड आउट करना है, तो टोटल अब एफ के लिए क्या कहा है, आर 18 मोर देन टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड इन पार्क सी एंड डी टुगेदर। अब देखो सी के अंदर टोटल कितना है, सी के अंदर हमारे पास में टोटल कितना आ रहा है, ये 76 है, ठीक है, और डी के अंदर टोटल कितना आ रहा है, ये आपके पास में 68, और उसने क्या कहा है 18 उससे ज़्यादा है, दैट मीन्स कि सभी को हम ऐड कर लेंगे, कितना आ गया 76 प्लस 68 प्लस 18 कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपके पास में 162, 162 आ गया। गर्ल्स कितने गिवन है आपके पास में, गर्ल्स आर 4/9, दैट मींस कि 4/9 ऑफ 162, ओके कितना हो गया
धारा चौके बहत्तर, हमें फाइंड आउट क्या करना है? कह रहा देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज विजिटेड इन पार्क एफ, बॉयज कितने हैं, तो बॉयज कितने हो गए, टोटल में से माइनस कर देंगे हम, माइनस किया कितना आ गया आपके पास 90, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, 90 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी बताए, कोई इसमें डाउट? क्लियर है सभी को? क्लियर है, ओके तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट परसेंट ऑफ गर्ल्स, व्हाट परसेंट ऑफ गर्ल्स विजिटेड इन पार्क ए विद रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड इन पार्क। ओके अब यहाँ पे ए की बात हो रही है, ए की बात हो रही है, तो ए के अंदर देखो गर्ल्स कितनी है, ए ए के अंदर बेटा गर्ल्स कितनी है आपके पास 30, ठीक है। ए के अंदर अगर हम टोटल देखें तो टोटल कितना आ रहा है आपके पास, टोटल टोटल कितना 60, 62, 64, दिस इज 64। अब आपको इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी, परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, परसेंटेज कितनी आ जाएगी हमारे पास 30 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 100। अब यहाँ पे इसने अप्रोक्सीमेट का है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है आपने, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अप्रोक्सीमेट आ जाएगा बेटा 46 के नियर बाय वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है 46 के नियर बाय वैल्यू आएगी, सो आप कह सकते हो कि यहाँ पे अपने पास में आंसर क्या आ जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। अप्रोक्सीमेट का है, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं आपको, ओके क्लियर। सो आई होप सभी को, आज जो मैंने आपको DI करवाई है सभी को क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट, अगर कोई डाउट आता है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट करेंगे अगर किसी को कोई भी डाउट आता है, ओके। सो स्टूडेंट्स इट वॉज ऑल फॉर टूडे, लाइन चार्ट हो गया आपका, बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, DI के अंदर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, डाटा टेबल रह गया, डाटा टेबल डिस्कस करेंगे, ओके सो क्लास इज ओवर, थैंक यू।